महाराष्ट्र के ठाणे से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ठाणे में एक अधिकारी के बेटे पर उसकी प्रेमिका को कार से कुचलने और जान से मारने की धमकी मारने की कोशिश करने का दरअसल आरोप लगा है और इस वारदात में पीड़ित लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। लड़की के आरोप के मुताबिक आरोपी महाराष्ट्र के एक बड़े अधिकारी का बेटा अश्वजीत गायकवाड़ है। उसने अपने ड्राइवर की मदद से उसे जान से मारने की कोशिश की थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक ये घटना 11 दिसंबर की है। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल। रियलिटी शो में नजर आ चुका है दीप सिंह। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। असम के जोरहाट सैन्य स्टेशन के आर्मी गेट के पास रहस्यमय धमाका। घटना के बाद आर्मी कैंप का मेन गेट किया गया बंद। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली को प्रदूषण से नहीं मिल रही राहत। खतरनाक हुआ प्रदूषण का स्तर। कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। अलाव का सहारा लेने को मजबूर लोग। बेसहारा लोगों ने रैन बसेरों का किया रुख। यूपी के प्रयागराज में गिरा पारा। टिटुओं के बीच लोगों को गर्म चाय और अलाव का सहारा। ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पंजाब के पटियाला में आपस में टकराई कई गाड़ियां। हादसे में 2 पुलिस वाले घायल। धुंध की वजह से हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर। टिटुओं के बीच अलाव तापने को मजबूर हुए लोग। धुंध की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाने में आ रही है मुश्किलें। जोशीमठ में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सड़कों पर बर्फ जमा होने से फिसलन बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी। बर्फबारी की वजह से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड की वजह से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सर्दी का सितम। बुधवार को रही सीजन की सबसे ठंडी रात। 5.4 डिग्री पहुंचा तापमान। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमा बर्फ। बीआरओ ने सड़क पर से हटाई बर्फ। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी। सड़क पर गाड़ी लेकर निकले लोगों को भी परेशानी। हमास की कैद में इजरायली बंधकों की गाजा में हुई मौत से लोगों का बढ़ा गुस्सा। तेल अबीब में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र के सामने फिलिस्तीनी और इजरायली दूतों ने युद्ध विराम पर की चर्चा। दोनों ने अपना पक्ष रखा। अमेरिकी सेना ने यमन के हूती विरोधियों पर लाल सागर में धमकी देने का आरोप लगाया। यहां पर झंडे वाले एक जहाज को धमकाने का आरोप।